हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। प्रीवियस लेक्चर में हमने बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट डिस्कस कर लिया था। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में क्या हेडिंग, क्या सब हेडिंग, क्या क्या सब हेडिंग्स होती हैं, क्या उसका फॉर्मेट होता है, पूरा का पूरा ओवरव्यू हमने उसका डिस्कशन कर लिया था। इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे उसके डिटेल्स। डिटेल्स मीन्स किस सब हेडिंग के अंदर, किस हेडिंग, किस सब हेडिंग के अंदर कौन कौन सी आइटम्स आती हैं और किस किस हेडिंग और किस सब हेडिंग का एक्चुअली कंसेप्ट क्या है। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको देखने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें ताकि आपको वहां से बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट मालूम पड़ जाए और हेडिंग सब हेडिंग का कंसेप्ट मालूम पड़ जाए। बट शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बैलेंस शीट जो होती है कंपनी से 2013 स्केड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग, उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट होते हैं साइड्स, और साइड्स हमारे दो होते हैं भाई। नेचुरली बैलेंस शीट है तो दो ही होंगे, और वैसे पर डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पूरी अकाउंटेंसी सब दो के ऊपर ही चलती है। फाइन, तो फर्स्ट साइड इज व्हाट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड सेकंड साइड इज व्हाट एसेट्स। ठीक है, तो दो साइड होती हैं। फिर इन साइड्स के अंदर हमारे पास होती हैं हेडिंग्स। हेडिंग्स बोलते हैं या उसको मेन हेडिंग्स बोल सकते हैं। जैसे आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में 4 मेन हेडिंग्स आर देयर: शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। इन एसेट साइड वी हैव 2 सब मेन हेडिंग्स: नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तो फर्स्ट इज साइड, साइड्स के अंदर में हेडिंग, हेडिंग के अंडर में सब हेडिंग्स। ठीक है, इसके अंडर में सब हेडिंग्स होती हैं। जैसे आपको याद हो तो नॉन करंट एसेट के अंदर सब हेडिंग्स क्या थी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट, इस तरह से सब हेडिंग होती है। और इस सब हेडिंग्स के अंडर में फिर किसी एक में सब सब हेडिंग्स होती हैं, और सब सब हेडिंग सिर्फ आपको नॉन करंट एसेट के अंदर ही मिलेंगी। जैसे मैंने आपको बताया नॉन करंट एसेट हमारी हेडिंग है, उसके अंदर सब हेडिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, और उसकी फिर 4 सब हेडिंग्स होती हैं: प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, देन नंबर 2 इंटेंजिबल एसेट, नंबर 3 कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एंड नंबर 4 इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो घूम फिर कर हमारे ये 4 कॉम्पोनेंट्स बेसिक इसके अंदर होते हैं: साइड्स, हेडिंग्स, और हेडिंग्स अंडर द साइड्स, सब हेडिंग्स अंडर द हेडिंग्स, एंड सब सब हेडिंग अंडर द सब हेडिंग्स। फाइन, अब अगर आपको याद हो तो हम पहले इसमें स्टार्ट करते हैं विद इक्विटी एंड लायबिलिटी। हमारी जो पहली साइड थी वो कौन सी थी? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, और इक्विटी एंड लायबिलिटी में वी हैव फर्स्ट मेन हेडिंग, दैट वाज शेयर होल्डर्स फंड। हमारी फर्स्ट मेन हेडिंग होती है कौन सी? शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, अब इस शेयर होल्डर्स फंड के 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं: फर्स्ट इज व्हाट? शेयर कैपिटल। ठीक है जी, सेकंड इज व्हाट? रिजर्व्स एंड सरप्लस। थर्ड, सेकंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड थर्ड होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट व्हाट? शेयर वॉरंट्स। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरंट्स। ठीक है, तो लो जी ये हमारे 3 मेन हेडिंग्स इसके अंदर होते हैं। अब देखिए, पहले हम समझे कि ये शेयर होल्डर्स फंड का कंसेप्ट क्या होता है। देखिए, मैंने आपको बताया इक्विटी एंड लायबिलिटीज ये हेडिंग डाली है, तो शेयर होल्डर्स फंड इज नथिंग बट इट इज एन इक्विटी। तो शेयर होल्डर्स फंड को इक्विटी के नाम से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम समझे शेयर होल्डर्स फंड का मीनिंग क्या होगा। देखिए, नाम से समझ आ रहा है फंड विच बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर, ऐसा फंड जिसके ऊपर होल एंड सोल राइट या अल्टीमेट राइट किसका रहता है? शेयर होल्डर्स का, जो प्योरली शेयर होल्डर को बिलोंग करता है। दैट टाइप ऑफ फंड इज कॉल्ड एज व्हाट? शेयर होल्डर्स फंड, जिस पर पूरा का पूरा या अल्टीमेट राइट किसका हो? शेयर होल्डर्स का। ठीक है, और ये जो शेयर होल्डर्स फंड होता है ये 2 चीजों से मिलकर के बनता है। देखिए, पहले तो होता है फर्स्ट अमाउंट invested by the shareholders in the business, amount invested by the owners in the business, owners in the business, and second amount earned by the business, earned by the business or the company for the owners. ठीक है, ये 2 चीजों से मिलकर के हमारा शेयर होल्डर्स फंड बनेगा। अब वन बाय वन इस पर हम डिस्कस करते हैं। पहला बोल रहा है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स इन द बिजनेस। देखिए, शेयर होल्डर्स फंड का फंडा अगर आपको बहुत इजीली समझना है तो सिंपल सा एक फंडा, इसमें फिक्स डिपॉजिट FD का कंसेप्ट से आप इसको समझेंगे तो बहुत इजीली समझ पाएंगे। होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपने बैंक में कोई FD की फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, मान लीजिए कि आपने बैंक में 1 लाख रुपीज की FD की 5 साल के लिए, इसका मीनिंग ये होगा कि ये 5 ईयर्स के लिए पैसा आपने बैंक में दे दिया बैंक को यूज करने के लिए, और 5 ईयर्स के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट से ये मनी आपको पूरा का पूरा लमसम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट ओवरऑल आपको रिसीव हो जाएगा। ओके, फाइन। अब देखिए,
होता यह है कि मान लो कि इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट्स सपोज 10% है, अभी हम ये मान लें, ठीक है। अब आपका एक साल कंप्लीट हो गया तो एक साल बाद आपको 10,000 रुपीज इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो एक साल बाद आपका इस एफडी का फंड कितना हो गया, 1,10,000, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, पांच साल बाद लेट सपोज आप गए मालूम करने, या चार साल बाद गए, चलिए पांच साल बाद छोड़े, फोर ईयर्स के बाद आप गए कि भाई मैंने जो 1,00,000 रुपए की एफडी की थी उसकी वैल्यू आज क्या हो गई है, तो मान लीजिए बैंक मैनेजर ने कहा कि भाई आपके इसकी वैल्यू हो गई है लेट सपोज 1,60,000 रुपीज, ठीक है। तो अब इस 1,60,000 का अगर हम बाइफर्केशन करते हैं तो इसमें से दो वैल्यूज निकलती हैं, इस आउट ऑफ 1,60,000 1,00,000 रुपया वो था जो हमने इनिशियली इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्टेड बाय द इन्वेस्टर इन द एफडी, और 60,000 रुपीज वो अमाउंट है जो इस 1,00,000 के ऊपर बैंक ने हमको अर्न करके दिया, उसका रिटर्न, रिटर्न जो होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, अमाउंट अर्न बाय द बैंक फॉर द, या अमाउंट अर्न अगेंस्ट द एफडी, ऐसा होता है। बस सेम टू सेम फंडा शेयर होल्डर्स फंड में भी होता है, क्या होगा इसमें एक चीज होगी, वो पैसा जो शेयर होल्डर ने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया था इन फॉर्म ऑफ व्हाट, ये वो पैसा होता है जो शेयर होल्डर ने कंपनी में इन्वेस्ट किया था इन फॉर्म ऑफ व्हाट, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के फॉर्म में। हम ऑलरेडी शेयर्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं, शेयर कैपिटल में क्या होता है, वो पैसा जो शेयर होल्डर कंपनी के अंदर लगाता है फॉर बीइंग एन ओनर ऑफ द कंपनी, कंपनी का ओनर बनने के लिए, ठीक है। तो हमारा अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस दैट इज व्हाट शेयर कैपिटल, और अमाउंट अर्न बाय द बिजनेस फॉर द शेयर, फॉर द शेयर, फॉर द ओनर, इस शेयर कैपिटल के बदले में, शेयर कैपिटल में क्या होता है, बंदा कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करता है, कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है, और कैपिटल में कंट्रीब्यूट करने वाला बंदा बिजनेस का ओनर कहलाता है, और उस ओनर को उस कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रिटर्न में, रिवॉर्ड में ही इज एलिजिबल टू गेट व्हाट, प्रॉफिट। तो जितना भी अर्निंग्स बिजनेस ने ओनर के लिए करके रखी है, ओनर ने कमाई है, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, हमारी सेकेंड पार्ट, रिजर्व्स एंड व्हाट, सरप्लस, ठीक है। अमाउंट अर्न बाय द बिजनेस फॉर द ओनर, बिजनेस ने ओनर के लिए जो पैसा कमा के रखा है वो क्या कहलाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। इस पैसे पर अल्टीमेट राइट बिजनेस के ओनर का होगा, और बिजनेस के ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। तो मैंने क्या कहा, ये दो चीजों से मिलकर बनाए, एक वो पैसा जो शेयर होल्डर ने कंपनी में लगाया, शेयर कैपिटल, एक वो पैसा जो कंपनी ने शेयर होल्डर के लिए कमाया, रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये रहा हमारा, देखिए, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट व्हाट, शेयर वॉरंट्स, वो थर्ड जो है वो जब आएगा जब मैं बताऊंगा। तो आई होप आपको शेयर होल्डर्स फंड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसके कॉम्पोनेंट लेके चलता हूं, देखिए सबसे पहले हम कंपोनेंट लेते हैं इसमें, कौन सा, शेयर कैपिटल। देखिए शेयर कैपिटल का एक नोट हमारा बनता है इसमें, वैसे शेयर कैपिटल का नोट का ऑलरेडी मैं एक डेडिकेटेड लेक्चर्स हैं, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट के नाम से, वो चैप्टर के आप वो स्पेसिफिक वीडियोस आप देख सकते हैं इसको डिटेल में समझने के लिए, स्टिल बना देता हूं मैं। तो शेयर कैपिटल का नोट बनता है इसमें पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट, और इसका पहला एलिमेंट होता है, सबसे पहला एलिमेंट होगा इसमें ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का मीनिंग वो शेयर कैपिटल होती है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशनड होती है, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी होती है, इतने इतने शेयर्स हैं एट द रेट रुपीज 10, लेट सपोज कंपनी के पास 10,00,000 शेयर्स हैं, तो 10,00,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 10, तो इधर आ जाएगा टोटल 1,00,000 रुपीज, ठीक है। तो दिस इज अवर ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, कंपनी चाहे तो पूरे 10,00,000 शेयर भी इशू कर सकती है, कंपनी चाहे तो इससे कम भी इशू कर सकती है। सेकंड इसकी हेडिंग होती है क्या, इशूड शेयर कैपिटल। अब ये इशूड शेयर कैपिटल का मीनिंग होता है आउट ऑफ ऑथोराइज कंपनी ने कितनी मार्केट में इशू कर रखी है, इशूड शेयर कैपिटल मे बी इक्वल टू ऑथोराइज और लेस देन ऑथोराइज, नॉट मोर देन ऑथोराइज, ठीक है। तो 10,00,000 में से लेट सपोज कंपनी ने 6,00,000 शेयर इशू किए हैं, 10 रुपए का एक है, तो इधर आ जाएगी कितनी, 60,00,000, और इसको यही क्लोज कर देंगे। ये हमारे बैलेंस शीट के टोटल का पार्ट नहीं बनते, दीज आर जस्ट द इंफॉर्मेशन, एक मेमोरेंडम पर्पस से हम क्या करते हैं इसको यहां पर नोट डाउन करते हैं, ओके फाइन। तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल,
इशूड शेयर कैपिटल। फिर हमारा थर्ड आता है इसमें सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का मीनिंग होता है शेयर कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक ने ले लिया, पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। और इस सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में दो होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का मीनिंग होता है जिसके ऊपर पूरा पैसा बुलवा लिया गया है, पूरा पैसा रिसीव हो गया। देखिए मैं फिर बोल रहा हूं आपको, इन डिटेल आपको देखना है तो इससे रिलेटेड डेडिकेटेड लेक्चर है, ऊपर आई बटन में उसकी लिंक आ रही होगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल वाले चैप्टर के अंदर ये डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट वाले टॉपिक में मिल जाएगा। ओके, दो वीडियोस इसकी हैं, ठीक है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और एक होता है इसमें सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, जिसके अगेंस्ट या तो पूरा पैसा नहीं मिला या जिसके अगेंस्ट हमने पूरा कंपनी ने पूरा पैसा कॉल्ड अप ही नहीं किया। यहां पर वो शेयर कैपिटल लिखते हैं, उसमें से हम डिडक्ट करते हैं लेस कॉल्स इन अरियर्स और ऐड कर देते हैं इसमें शेयर फॉर फ्यूचर की अमाउंट। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली इसको छोड़ के ये जो सब्सक्राइब्ड की टोटल होती है ये हमारी शेयर कैपिटल का पार्ट बन जाती है। फाइन, तो हमारा फर्स्ट रीडिंग था शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं ये मैंने आपको बता दिए। फर्स्ट इज व्हाट, ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल के बाद नेक्स्ट इज इशूड शेयर कैपिटल। थर्ड इज व्हाट, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब में सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, एंड सेकंड इज व्हाट, सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड। उसके बाद हमारा सेकंड एलिमेंट है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर वो सारे के सारे रिजर्व्स, वो सारे के सारे फंड्स आते हैं जिस पर अल्टीमेट राइट ओनर का होगा। मैं आपको वापस वर्ड यूज कर रहा हूं, अल्टीमेट राइट। अल्टीमेट राइट मींस फाइनल राइट जो होगा वो ओनर का होगा, किसी और का नहीं, तो फिर इसमें होगा। देखिए इसमें तीन तरह की रिजर्व्स एक्चुअली आते हैं, विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं, प्रॉफिट का पार्ट होता है। ठीक है, इसमें से क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कैपिटल नेचर के होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मीट जो आगे आपकी जो फ्यूचर लायबिलिटीज होती हैं उन फ्यूचर लायबिलिटीज को मीट करने के लिए बनाए जाते हैं। बट याद रखिएगा कि इस पर अल्टीमेट राइट ओनर का ही है, ओनर का ही है। मींस अगर ये पेमेंट नहीं हुआ तो इसका जो फाइनल राइट होता है वो ओनर का होता है, ओनर को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिजर्व्स आउट ऑफ द प्रॉफिट क्रिएट किए जाते हैं। आउट ऑफ द प्रॉफिट मींस प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं। प्रॉफिट पर राइट किसका होता है? शेयर होल्डर्स का या कंपनी के ओनर्स का। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी मैं आपको बता देता हूं। कौन कौन से फंड्स, मेनली जो जो फंड्स इसके अंदर आते हैं अपने, कौन से इसमें आ जाएगा? हमारा नंबर वन कैपिटल रिजर्व। ठीक है, मैं आपके इधर बुक में से देखो, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्यों बनाया जाता है? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट सारे के सारे ट्रांसफर होते हैं। कैपिटल प्रॉफिट में सारे ट्रांसफर, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन है ना, अगर आपने एक मशीन को 1,20,000 की मशीन को 1,50,000 में बेचा तो इससे जो प्रॉफिट क्रिएट हो रहा है भाई, ये कैपिटल रिसीट है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, और 30,000 इज द कैपिटल प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट हम पीएनएल में ट्रांसफर ना करते हुए वी यूज टू ट्रांसफर दिस टू व्हाट, कैपिटल रिजर्व। ऐसा प्रॉफिट जो कैपिटल नेचर का होता है, रिपीटेडली या रेगुलरली रिकरिंग नेचर का नहीं होता। जस्ट लाइक आपने जैसे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें लास्ट में हम क्या जो फोर फीचर का अमाउंट बचता है रीशूट शेयर्स के ऊपर, हम को कहां ट्रांसफर कर देते हैं? टू द कैपिटल रिजर्व। तो उसकी एंट्री क्या बनती है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व जो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स को अल्टीमेटली ट्रांसफर करेगा। इसके अंदर कुछ दे रखे हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये सब मैंने जो आपको बताया उसमें। ओके, उसके बाद सेकंड होता है इसमें एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और एक और आएगा इसमें डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। रिडम्पशन, रिडम्पशन का मीनिंग होता है मनी को रिटर्न करना, जैसे। और एक्चुअली ये कैपिटल रिडम्पशन बनता है अगेंस्ट व्हाट? प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखिए प्रेफरेंस शेयर में एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, मींस आज पैसा लिया, चार साल बाद या पांच साल बाद उनको रिटर्न करना। लेट सपोज, एक सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूं, मैं ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, के 1 अप्रैल 2012 को कंपनी ने 50 लाख रुपीस के प्रेफरेंस शेयर इशू किए इस प्रॉमिस के साथ कि दीज प्रेफरेंस शेयर्स विल बी रिडीम्ड आफ्टर द पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल बाद हम इसको वापस कर देंगे। ठीक है, अब 5 साल बाद आपको वापस करना है कब? देखिए ये हो जाएगा 13, 14, 15, 16 and 17, 31st मार्च 17 को आपको 50 लाख रुपीस रिटर्न करने। अब
पैसा लेना इजी है लेकिन रिटर्न करने के लिए आपको मनी का अरेंजमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके अरेंजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक पीर हर एक साल में प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट उठा करके एक फंड में डाल देते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। हमने क्या किया, 31 मार्च 2013 को जो पीएनएल बना तो पीएनएल से पैसा निकाला और एक स्पेसिफिक फंड बना दिया सीआरआर के नाम का, 50 लाख डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 10 लाख रुपीज इसमें डाल दिया। फिर 31 मार्च 2014 को फिर हमने पीएनएल से पैसा निकाला सीआरआर में डाल दिया 10 लाख रुपीज। 30 मार्च 2015, 2016 और 2017 इटसेल्फ 5 साल के अंदर 10-10 लाख रुपए से 50 लाख रुपीज अरेंज हो गए और फिर 31 मार्च 2017 को आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर दे, उनका मनी रिटर्न कर दे। तो ये जब तक पैसा इसमें पड़ा हुआ है तो वो कहलाता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है। उसके बाद थर्ड होता है हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखिए इसमें आप इस साल रिजर्व वर्ड यूज नहीं करते तो सिर्फ इसको सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड ही यूज किएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वर्ड यूज ना करें, ओके। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम आपको पता है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पड़ा है, शेयर के ऊपर जो भी ऑन वैल्यू फेस वैल्यू से एक्सेस अमाउंट जो भी रिसीव होती है दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम इटसेल्फ इज एन इनकम ऑफ कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर होने की वजह से हम उसको यहां पर डालते हैं, फाइन। उसके बाद नंबर फोर इज व्हाट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। जैसे ये शेयर को रिडीम करने के लिए कैपिटल रिडम्पशन बनाया था, डिबेंचर रिडीम करने के लिए डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाते हैं। इस साल आपको एक्चुअली डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर के रिडम्पशन वाला टॉपिक स्किप्ड है, अदरवाइज उसके अंदर इस चैप्टर के अंदर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। डीआरआर इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसको सीआरआर बोलते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। जो भी असेट्स का और लाइबिलिटीज के रिवैल्यूएशन होता है उसका जो पैसा हम उसका जो प्रॉफिट होता है उसका पैसा जो हम रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल देते हैं। उसके बाद फिर उसके बाद सिक्स्थ है अदर रिजर्व्स। अब ये अदर रिजर्व्स के अंदर किस टाइप के रिजर्व्स आते हैं, आपको याद होगा पार्टनरशिप में आपने पढ़े हैं अदर रिजर्व्स में, जैसे आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हुआ, वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन फंड हुआ। तो इस टाइप के जो रिजर्व्स हैं, जो ऑल दोज रिजर्व्स कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ अदर रिजर्व्स अंडर द सब हेडिंग ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ द मेन हेडिंग ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। चलिए जी, और उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसके अंदर आता है, दैट इज सरप्लस, दैट इज स्टेट बैलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। देखिए कंपनी जो होता है, कंपनी के अंदर प्रॉफिट कभी भी कैपिटल में ऐड नहीं होता, उसको अलग से लिखते हैं, ठीक है। तो हम जैसे हम सोल प्रोप्रेटर के अंदर कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, तो कंपनी के अंदर कैपिटल में प्रॉफिट ऐड नहीं होता, उसको सेपरेटली शो किया जाता है और वो क्यूमुलेट होता रहता है, मीन्स बढ़ता जाएगा। तो दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ठीक है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट मिल करके हमारा क्या बनाएंगे, इसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस क्रिएट करेंगे। देखिए इस फर्स्ट क्या है, कैपिटल रिजर्व, सेकंड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, अदर रिजर्व्स एंड सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अच्छा एक मैं डिफरेंस दोनों का बता दूं, उसमें एक होता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और एक होता है सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो अगर वर्ड सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल यूज किया गया तो वो उस स्पेसिफिक ईयर का, एक ही साल का, जिस ईयर की बैलेंस शीट उसी साल का प्रॉफिट है, और सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल मेंशन्ड है, मींस वो क्यूमुलेटिव है, प्रीवियस ईयर का भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। चलिए आइए अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो ये जो शेयर वारंट्स होते हैं, एक्चुअली क्या होता है, कंपनी कभी कभी किसी शेयर्स अलॉट ना करते हुए शेयर होल्डर को एक स्पेसिफिक डेट बता देती है, इस दिन हम क्या करेंगे, आपको शेयर्स अलॉट करेंगे, और उसका पैसा पहले से ले लेती है प्री डिटरमाइंड प्राइस के साथ में, ठीक है। जैसे अभी 1 जुलाई 2024 को कंपनी क्या करेगी, शेयर अलॉट करेगी, तो कुछ शेयर होल्डर्स को पहले से ही कमिट कर लेती है कि भाई आप अभी हमसे शेयर वारंट्स बाय कर ले, इसके अगेंस्ट जब हमारे शेयर्स इशू करेंगे एक स्पेसिफिक डेट पर हम क्या करेंगे, आपको नए शेयर्स कंपनी के अलॉट कर देंगे। अभी आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है, कंपनी के शेयर होल्डर कब बनेंगे, जब हम उनको शेयर्स अलॉट करेंगे, और जो मनी उसकी बनती है वो मनी ये कंपनी क्या करती है, उसको एडवांस में ले लेती है, कंपनी उस पैसे को यूज करती है। लेकिन इन फ्यूचर तो ये श्योर शॉट क्या बनने वाले हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स, तो हम इनका नाम
कहां डाल देते हैं, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स में। तब तक उनके पास क्या रहता है, शेयर वारंट्स रहता है, एक बार शेयर अलॉट होगा तो फिर शेयर सर्टिफिकेट आ जाएगा। एनीवे, तो ये तीन हेडिंग्स थी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक हेडिंग में और एक्सप्लेन कर देता हूं सेकंड का, क्योंकि वो छोटा सा पार्ट है तो आपको क्लियर हो जाएगा फंडा इसमें। सेकंड हेडिंग, फर्स्ट मेन हेडिंग थी शेयर होल्डर्स फंड, बी मेन हेडिंग होती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का मीनिंग होता है जिसके ऊपर आपको एप्लीकेशन मनी तो रिसीव हो गए लेकिन अभी तक आपने उन शेयर्स को अलॉट नहीं किया। याद हो कभी आपको शेयर्स की एंट्रीज, तो फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और सेकंड एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री होती है रिसीट ऑफ शेयर एप्लीकेशन की, और ये एंट्री होती है शेयर्स को अलॉट करने की। तो ये जो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स है ना, ये एक ऐसा पीरियड है जिस जो इन दोनों एंट्रीज के बीच में है। लेट्स सपोज अगर आपने ये किया था 15th मार्च 2022 को और इधर किया आपने 10th अप्रैल 2022 को, डेट आ गई 31st मार्च 2022, इस दिन आपको बनानी है बैलेंस शीट दोनों के बीच में। ठीक है, रिसीव किसी और ईयर में किया, अलॉट किसी और ईयर में कर रहे हैं, तो दोनों के बीच की जो गैप होगी दैट कम्स, जो अमाउंट होगा दोनों के बीच में, जितना भी अमाउंट हमको रिसीव हो गया लेकिन शेयर अलॉट नहीं किया, तो दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ मनी रिसीव्ड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फाइन, तो ये इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया पूरा इन डिटेल द कंसेप्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। आई होप आपको ये शेयर होल्डर्स फंड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।